गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज आप लोग की एनिमल हस्बेंड्री की यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस की 12th क्लास की दूसरी क्लास है, जिसमें हम पहले पढ़े थे पशुओं का पालतूकरण। दूसरे नंबर पर था एनिमल बिहेवियर यानी कि पशु व्यवहार। पशु व्यवहार में क्या है, इसमें पशुपालक जो होता है यानी कि किसान या जो पशुओं को पालता है उसको उसके ज्ञान एवं व्यवहार के बारे में अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो पशुओं से काम ले सकता है, पशुओं का दूध निकाल सकता है और पशुओं को नियंत्रित करने में सफल हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है, पशुपालन में पशुओं को नियंत्रित रखने तथा उनके बेहतर उपयोग करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पशुपालक को पशुओं के व्यवहार तथा उनके मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान हो। पशु के अंदर मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होती है, बिल्कुल बहुत शक्तिशाली जानवर होते हैं या पशु होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े काम, बहुत मेहनत वाला काम कर लेते हैं और मनुष्य जो नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर एक गाय को या बैल को किसी खूंटे में बांध दिया जाता है और अगर वो चाहे तो वो खूंटा तोड़ भी सकता है, लेकिन उसका क्या होता है, उसका मनोविज्ञान मतलब उसको बचपन से ही उस रस्सी में बांधा जाता है, इस वजह से उसका पैरामीटर बन जाता है और वो बचपन में बहुत कूदता फांदता है, झड़कता है, लेकिन रस्सी को तोड़ नहीं पाता है और वो वहाँ से भाग नहीं पाता है। तो उससे क्या होता है, उसके दिमाग पर फिक्स हो जाता है कि हमारा मतलब हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे, इस वजह से वो बाद में एक समय ऐसा आता है वो ट्राई करना भी बंद कर देता है, यानी कि पशुओं का पैरामीटर वहीं बंद जाता है, वो उससे ज़्यादा देख ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। नहीं तो आज देख लो, अगर कोई जानवर अगर भागने लगता है और मनुष्य या कृषक जो भी है उसे खींचता है तो खींच नहीं पाता, वो उसको भी साथ में घसीट ले जाता है। अगर अधिक शक्तिशाली ना होता तो वो ऐसा कर पाता, बिल्कुल ना कर पाता, ठीक है। इसी वजह से मनुष्य को या पशुपालक को पशुओं के ज्ञान और व्यवहार के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, जिससे वो उसको नियंत्रित कर पाए और उससे दूध निकाल पाए और पशुओं से काम ले पाए, यही है एनिमल बिहेवियर। दोबारा रिपीट करते हैं, पशुपालन में पशुओं को नियंत्रित रखने तथा उनके बेहतर उपयोग करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पशुपालक को पशुओं के व्यवहार तथा उनके मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान हो। पशु के अंदर मनुष्य अधिक शक्तिशाली शक्ति होती है, परंतु उसका अपने लिए सदुपयोग मनुष्य अपने ज्ञान से करता है, ठीक है, वो अपने ज्ञान से ही पशु को नियंत्रित करता है या संभालता है। अतः इन शक्तिशाली पशुओं को नियंत्रित करने, दूध निकालने, उनसे काम लेने के लिए पशुओं के व्यवहार तथा मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। नंबर 3 पर आता है एनिमल साइकोलॉजी। इसमें क्या है, यानी कि पशु मनोविज्ञान, इसकी हिंदी होती है पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी। इसमें क्या लिखा है, सामान्य रूप से देखा जाए तो पशु मूलतः स्वार्थी, स्वकेंद्रित तथा आत्मरक्षी होता है। कुछ लोग पशु मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में पशुओं की कुछ क्रियाओं को स्वामी भक्ति के रूप, भक्ति की क्रिया के रूप में व्यक्त करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतः जैसे देखा जाए, घर में आग लगने पर कुत्ता अपनी रक्षा के लिए भौंकता है, ना कि अपने स्वामी को खबर करने के लिए। भोजन की लालच में वो भागता नहीं, वह वहीं भौंकता रहता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो पशुओं की मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजी है, इसमें क्या है कि पशु जो होता है, पहली बात तो स्वार्थी होता है, वो अपने लिए जो जीता है, और आत्मरक्षी होता है, स्वकेंद्रित होता है, वो खुद पर डिपेंडेंट रहना चाहता है, ठीक है, खुद पर डिपेंड होता है या जो भी है। तो इसमें क्या है, कुछ लोग क्या है, पशु को ज्ञान के बारे में मतलब पता नहीं होता है, तो वो क्या कहते हैं, अगर आग लगती है और कुत्ता भोंकता है तो उसमें स्वामी भक्ति वाली क्रिया दर्शाते हैं, जैसे कहते हैं कि वो हमको खबर करने के लिए भौंक रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो भौंकता है तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए भौंकता है, और अगर वो वहाँ पर रहता है, वहाँ से भागता नहीं है, तो सिर्फ एक लालच में, क्योंकि वो उसे वहाँ से भोजन मिलता है, ठीक है। ये है एनिमल साइकोलॉजी। इसकी 2 प्रवृत्तियाँ हैं, पहला है भोजन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, नंबर 2 है आत्मरक्षा की प्रवृत्ति। पहले में क्या है, जैसे कि भोजन प्राप्त हो मतलब जानवर को या पशु को वहाँ से भोजन मिलता है, इस वजह से जो है वो उस डर से कि भोजन नहीं मिलेगा तो सारा काम करता है। जैसे जैसे
पशुपालक उसे चाहता है वैसे वैसे उसे काम करवाता है, उसे 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 काम लेता है। ठीक है, ये हो गया भोजन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। अब दूसरा है आत्मरक्षा की प्रवृत्ति। जैसे पशु जो है डर के मारे काम करता है, जैसे उसे पशुपालक या किसान या जो भी उसे मारे ना, मार खाने के डर से भी काम करता है। जैसे कि एक बंदर होता है, मदारी उसे डंडे की नोक पे नचाता है, तो क्या हो गया आत्मरक्षा की प्रवृत्ति। क्लियर हुआ, ये हो गया एनिमल बिहेवियर, ये हो गया एनिमल साइकोलॉजी। एनिमल साइकोलॉजी में दो प्रवृत्ति हैं, एक भोजन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, दूसरा है आत्मरक्षा की प्रवृत्ति। भोजन में क्या है, जैसे उसमें पशुपालक के डर से मतलब कोई भी काम करता है, या भोजन की लालच में कोई भी काम पशुपालक उससे या किसान करवा लेता है, वही है भोजन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। दूसरा है आत्मरक्षक प्रवृत्ति, उसमें भोजन पशुपालक जो है पशु जो है पशुपालक के मारने के डर से या किसी भी डर से जो है वो काम करता है, नचा काम करवा लेता है। जैसा बंदर होता है उसे मदारी जो होता है डंडे की नोक पे उसे नचा लेता है। ठीक है, ये रहा एनिमल साइकोलॉजी। इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए, नंबर एक था पशुओं को पालतूकरण, नंबर दो था पशु व्यवहार, नंबर तीन था पशु मनोविज्ञान, नंबर चार है पशुओं का जलवायु पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या है, पशुओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले जलवायु के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, वो कौन कौन से हैं। जलवायु का पशुओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव, जलवायु का पशुओं पर परोक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव मतलब जो दिखता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा, कहते नहीं है जो सामने दिखाई देता है वह है प्रत्यक्ष प्रभाव, और जो दिखता नहीं है वो है परोक्ष प्रभाव। ठीक है, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे जलवायु का पशुओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि जो हमें दिखाई देता है वो हम पहले पढ़ लेंगे। यानी कि पहला हेडिंग है जलवायु का पशुओं पर प्रभाव में क्या आता है। नंबर एक है उच्च ताप का प्रभाव। उच्च ताप का प्रभाव में क्या है, पशुओं के लगातार उच्च ताप में रहने पर उन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। जैसे देखते हैं, नंबर एक पॉइंट है पशु का शारीरिक ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है चारा ग्रहण क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट है पानी ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन क्षमता घट जाती है। और नेक्स्ट है ऋतुकाल अस्पष्ट तथा अनियमित हो जाता है, कार्य उत्पादन क्षमता घट जाती है। जैसे कि पहला पॉइंट है पशु का शारीरिक ताप बढ़ जाता है। भाई क्या है, उच्च ताप का प्रभाव में क्या है, पहला पशु का शारीरिक ताप बढ़ जाता है। जब बहुत अधिक गर्मी होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, वो किसी का भी, पशुओं का ही नहीं अपना भी, मनुष्य का भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है चारा ग्रहण क्षमता घट जाती है, तो पशुओं को जो चारा खाने की क्षमता होती है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है, खाने पीने का मन बहुत कम करता है, यानी कि चारा ग्रहण क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट है पानी ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, जब बहुत अधिक उच्च ताप होगा, गर्मी होगी तो प्यास बार बार लगेगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट दुग्ध उत्पादन क्षमता घट जाती है, बिल्कुल दूध का उत्पादन कम कर देती हैं या पशुओं को दूध देना कम कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऋतुकाल अस्पष्ट तथा अनियमित हो जाता है। कहने का मतलब है ये जब पशु जब हीट होते हैं यानी गर्म होते हैं या जब गाभिन होती हैं तो वो उस टाइम क्या है पता नहीं चल पाता है और अनियमित होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। यानी कि अगर होता भी है, यानी कि जब पशु गर्म भी होते हैं यानी कि गर्भावस्था के लिए अगर होते भी हैं तो वो हमें पता नहीं चल पाता है, और पता नहीं चल पाता है और कभी कभी होते भी नहीं है। ठीक है, ये गर्मी में ऋतुकाल अस्पष्ट तथा अनियमित हो जाता है, यही है इसमें। नेक्स्ट है कार्य उत्पादन क्षमता घट जाती है, कार्य करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब आता है दूसरे नंबर पर हेडिंग है उच्च आर्द्रता का पशुओं पर सीधा प्रभाव। यानी कि उच्च आर्द्रता का पशुओं पर सीधा प्रभाव क्या पड़ता है, अधिक ताप तथा अधिक आर्द्रता होने पर पशु की चारा ग्रहण क्षमता तथा उत्पादन क्षमता घट जाएगी। जब पशु खाएंगे ही नहीं तो उत्पादन यानी दूध क्या देंगे। ठीक है, उससे साफ क्लियर होता है
कि जब पशु की चारा ग्रहण क्षमता घट जाएगी और फिर उत्पादन घटेगा घटेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सौर विकिरण का पशुओं पर सीधा प्रभाव, यानी कि जो धूप से जो भी प्रभाव पड़ता है पशुओं पर देखेंगे, पहले तो है सौर विकिरण से त्वचा पर सनबर्न, यानी कि जो सनबर्न का मतलब होता है कि जो धूप से जले, सन का मतलब होता है सूर्य, बर्न की इंग्लिश, बर्न की हिंदी होती है जलना, यानी कि धूप से जलना, ठीक, धूप से जलते हैं त्वचा पर, धूप से त्वचा जलती हैं, जिसे कहते हैं ना कि अभी मनुष्य कहते हैं अरे बहुत धूप है जल गए काले हो गए, ये वो सनबर्न है, ठीक है, जो यहाँ ब्लैक ब्लैक से हो जाता है वो सनबर्न होता है। और क्या है, त्वचा कैंसर तथा अन्य प्रकाश संबंधी बीमारियां उत्पन्न होने का भय रहता है, ठीक। इससे पशुओं की वृद्धि, उत्पादन तथा प्रजनन पर कुप्रभाव पड़ता है, त्वचा कोमलता घटती है, ठीक है, क्लियर हुआ। चौथा क्या था, पशुओं का जलवायु पर प्रभाव दो प्रकार से हैं, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष। प्रत्यक्ष में जो सामने दिखाई देता है और परोक्ष में जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और उसमें नंबर एक पॉइंट था, प्रत्यक्ष में उच्च ताप का प्रभाव, उच्च ताप से शारीरिक ताप बढ़ जाता है, चारा ग्रहण क्षमता घट जाती है, पानी ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता घट जाती है, ऋतुकाल अस्पष्ट तथा अनियमित हो जाता है, कार्य उत्पादन क्षमता घट जाती है। मैंने पांचों छठों पॉइंट क्लियर किए, बारी बारी सब चीज़ बताया मैंने एक एक थी। और नंबर दो है, उच्च आर्द्रता का पशुओं पर सीधा प्रभाव क्या पड़ता है, क्योंकि चारा ग्रहण क्षमता घट जाएगी और फिर उत्पादन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। नंबर तीन है, सौर विकिरण का पशुओं पर सीधा प्रभाव, क्या सीधा प्रभाव पड़ता है, इससे सनबर्न हो जाता है, सनबर्न की हिंदी होती है सन मतलब सूर्य और वर्न मतलब हिंदी होती है जलना, यानी कि जो सूर्य की रोशनी से जल जाए वही है सनबर्न, और त्वचा कैंसर का डर होता है और अन्य प्रकाश संबंधी बीमारियां उत्पन्न होने का भय रहता है। इससे पशुओं की वृद्धि, उत्पादन तथा प्रजनन पर क्रूर प्रभाव पड़ता है, त्वचा कोमलता घट जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ। आज के दिन सिर्फ इतना ही, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।